स्वागत है आपका आईएएस स्टडी ट्रिक और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार जैन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की प्रमुख रचनाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जुगाड़ के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। और ये रचनाओं की ट्रिक का सेकेंड पार्ट है, दूसरा भाग है ये, और पहले भाग की जो लिंक है वीडियो की वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने पहले वीडियो में रचनाओं को याद किया और इस वीडियो में भी उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रचनाओं को याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है अद्भुत अपूर्व सपना के रचनाकार कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये अद्भुत अपूर्व सपना जो कहानी है इसके रचनाकार आपको बताना है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भारतेंदु। जी हाँ दोस्तों, अब इसको कैसे याद करें, अब एक बात बताना कि हम भारत को एक सपना देख रहे हैं, अद्भुत सपना, अद्भुत बनाने का एक हम सपना देख रहे हैं कि हमारा भारत विश्व में अग्रणी देश हो। तो अद्भुत और अपूर्व सपना जो हमने पूर्व में कभी नहीं देखा, स्वच्छ भारत हो और हमारा जो भारत है सबसे स्मार्ट हो, इस प्रकार से हम अद्भुत और अपूर्व सपना देख रहे हैं। तो अद्भुत अपूर्व सपना जो हम देखेंगे वो कहां का देखेंगे, भारत का, तो भारतेंदु इसके रचनाकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु प्रभाकर के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में आपको बताना है, तो धरती अब भी घूम रही है संघर्ष के बाद। एक बात बताना कि धरती जो घूमती है, धरती जो टिकी है, कोई बोलता है कि विष्णु जी मतलब धरती के वो हैं, कोई बोलता है कि बैल के सींग पर है, कोई कहता है कि सर्प के उस फण पर है, इस प्रकार से है। तो विष्णु प्रभाकर की अगर कहानी संग्रह की बात करें तो विष्णु जी की कृपा से धरती अब भी घूम रही है, संघर्ष के बाद भी धरती घूम रही है। तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, संघर्ष के बाद धरती अब भी घूम रही है, विष्णु प्रभाकर, क्योंकि विष्णु जी की कृपा है, क्योंकि सृष्टि की रचना किससे मानी जाती है, विष्णु से मानी जाती है। तो धरती अब भी घूम रही है संघर्ष के बाद, विष्णु प्रभाकर, इस प्रकार से हो जाएगी। दोस्तों अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि हमने 5 प्रश्न लास्ट में रखे हैं, टेस्ट के माध्यम से आपसे पूछेंगे और तुरंत आपको याद हो रहा है कि नहीं, ये टेस्ट आपको खुद का आकलन करना है। नेक्स्ट है काट का सपना के रचनाकार है। जी हाँ दोस्तों, काट का सपना आपको बताना है तो मुक्ति बोध। अब एक बात बताना कि काठ और ठाट, क्या बोलते हैं हम, काठ, काठ बोले, काठ पर पड़े पड़े हैं, तो काठ पर जो आदमी पड़ा होगा उसका सपना क्या होगा कि हमें मुक्ति मिल जाए, भगवान जल्दी उठा लेता है ना, काठ पर पड़ा पड़ा आदमी सोचता है कि मुक्ति जल्दी मिल जाए। तो काठ का सपना नामक जो रचनाकार है इसके कौन होंगे, मुक्ति बोध ही होंगे, क्योंकि काठ पर पड़ा पड़ा आदमी सोचता है, सपना देखता है कि मुक्ति जल्दी मिल जाए। 11 वर्ष का समय के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर 11 वर्ष पूछा गया, 14 वर्ष नहीं पूछा गया, तो 11 वर्ष के समय के रचयिता कौन है, रामचंद्र शुक्ल। अब राम जी को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, यहां पर तो हम 11 वर्ष पढ़ रहे हैं, तो 11 वर्ष का जो समय है कि रचयिता रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, क्योंकि हम 14 वर्ष नहीं पढ़ेंगे, यहां 11 वर्ष ही पढ़ेंगे, तो 11 वर्ष का वनवास हो रहा है, यहां पर वनवास हो रहा है, तो 11 वर्ष का समय के जो रचयिता होंगे वो कौन होंगे, रामचंद्र शुक्ल, है ना, 14 वर्ष से हम रिलेट 11 वर्ष कर देंगे तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगला है कि सूर्य पूजा और भेड़िए कहानी के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य पूजा और भेड़िए, तो ये आपको बतानी है। तो अब आप बताएं कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क में क्या है, सूर्य मंदिर है कि नहीं, है ना, तो सूर्य की पूजा कोणार्क में भेड़िए भी करते हैं, क्या करते हैं, भेड़िए भी करते हैं, और ये कहां पर है, उड़ीसा, उड़ीसा में है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। तो सूर्य पूजा और भेड़िए कहानी के रचयिता कौन हो जाएंगे, भुवनेश्वर, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य मंदिर कहां पर है, भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा, उड़ीसा में है, और भेड़िए भी यहां पर सूर्य की पूजा करते हैं, तो सूर्य पूजा और भेड़िए के रचनाकार कौन हो जाएंगे, भुवनेश्वर जी हो जाएंगे, इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। अब बता रहे हैं हम निर्मल वर्मा। जी हाँ दोस्तों, निर्मल वर्मा और निर्मल बाबा, तो निर्मल बाबा जो हैं, हम निर्मल बाबा लेंगे यहां पर, तो निर्मल बाबा की एक बहुत अच्छी कहानी हम आपको बता दे रहे हैं कि जो निर्मल बाबा हैं, तो जो निर्मल वर्मा साहब हैं, इनके प्रमुख जो कहानी है वो है लंदन की एक रात के बाद, अंधेरे में, लवर्स, परिंदे,
माया, दर्पण, धूप का टुकड़ा, जलती झाड़ियां, 1.5 इंच ऊपर, पोस्टकार्ड बीच बहस में, ओ कुत्ते की मौत, इस प्रकार से है। तो अब इतनी सारी रचनाएं हैं, इतनी सारी रचनाएं याद करते करते हम कुछ रचनाओं को भूल जाते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से हम इन रचनाओं को, सारी रचनाओं को याद करते हैं। देखो कैसे करते हैं कि लंदन की एक रात के बाद, जी हाँ दोस्तों, लंदन की एक रात के बाद अंधेरे में कुछ लवर्स परिंदे निर्मल बाबा के यहां पहुंचे। निर्मल बाबा जानते हैं आप, वो ही हैं समोसे खवाते हैं जो, और बोला है कि आप वो खा लेना, क्या डोसा खा लेना, आपके सारे काम बन जाएंगे। तो यहां पर हम लंदन की एक रात के बाद अंधेरे में कुछ लवर्स परिंदे निर्मल बाबा के यहां पहुंचे और कहा, बाबा बहुत परेशान हूं। बाबा ने कहा, बैठ जाओ बच्चे, मैं समझ गया, माया का चक्कर है। काय का चक्कर है? माया का चक्कर है। और कहा, धूप का टुकड़ा और जलती झाड़ियां लेकर आओ। क्या कहा? धूप का टुकड़ा और जलती झाड़ियां लेकर आओ। तभी 1.5 इंच ऊपर से एक पोस्ट कार्ड गिरा। तो बाबा समझ गए कि ये सभी कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने याद किया कि लंदन की एक रात के बाद, तो एक रात के बाद जो रचना हो जाएगी, अंधेरे में आए, अंधेरे में कुछ लवर्स, तो अंधेरे में इनकी रचना हो जाएगी, और कुछ लवर्स, तो लवर्स भी इनकी रचना हो जाएगी। कौन की? निर्मल बाबा की लवर्स, क्योंकि क्या हो रहा है, बाबा वाला लोग बहुत लवर्स हो रहे हैं आजकल, तो लवर्स निर्मल बाबा की है, निर्मल वर्मा जी की है, और परिंदे, तो परिंदे भी इनकी है, और निर्मल बाबा के यहां पहुंचे ये सारे लोग। तो बाबा समझ गए कि काय का चक्कर है, माया का चक्कर है, तो माया दर्पण भी इनकी रचना हो जाएगी। फिर बात आती है कि धूप का टुकड़ा, बाबा ने कहा कि धूप का टुकड़ा लेकर आओ, तो धूप का टुकड़ा इनकी रचना हो जाएगी, और जलती झाड़ियां भी लेकर आना है, तो जलती झाड़ियां, और 1.5 इंच ऊपर से क्या गिरा, पोस्ट कार्ड गिरा, तो 1.5 इंच ऊपर भी इनकी रचना होगी, पोस्ट कार्ड बीच बहस में, बीच बहस में क्या गिर गया, पोस्ट कार्ड गिर गया, तो पोस्ट कार्ड बीच बहस में इनकी रचना हो जाएगी। और बात आती है कि बाबा ने कहा कि सारे के सारे कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, तो ये कुत्ते की मौत भी क्या हो जाएगा, निर्मल वर्मा जी की रचना हो जाएंगी। कैसे याद किया कि लंदन की एक रात के बाद अंधेरे में कुछ लवर्स परिंदे निर्मल बाबा के यहां पहुंचे और कहा कि बाबा बहुत परेशान हूं। बाबा ने कहा, बैठ जाओ बच्चे, मैं समझ गया, माया का चक्कर है, और कहा, धूप का टुकड़ा और जलती झाड़ियां लेकर आओ। तभी 1.5 इंच ऊपर से पोस्ट कार्ड गिरा, तो बाबा समझ गए कि ये सभी कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। तो इतनी सी एक कहानी में सारी आपकी जो है रचनाएं याद हो जाएंगी दोस्तों। और दोस्तों हम एक चीज आपको बता दें कि यहां पर हम सिर्फ याद करने के लिए कुछ काल्पनिक ट्रिक बता रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको जो है आपको व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये काल्पनिक है सिर्फ, है ना। अब बात करते हैं कि डिप्टी कलेक्टरी जिंदगी और जोंक किसकी रचना है। तो ये जो रचना है वो किसकी है, अमरकांत जी की। तो डिप्टी कलेक्टर साहब ने क्या सोचा कि जिंदगी और झोंक से क्या हो जाएं, अमर हो जाएं। जिंदगी में नोक झोंक चल रही है और ये अमर होना चाहते हैं, कौन, डिप्टी कलेक्टर साहब। आपके वहां के कुछ डिप्टी कलेक्टर होंगे ना, वो डिप्टी कलेक्टर सोच रहे हैं कि जिंदगी और झोंक से हम क्या होना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर जिंदगी और जो किसकी रचना हो जाएगी, अमरकांत जी की हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से देख लेंगे। अब बात है अंधेरे के सिलसिले की रचनाकार कौन है। अंधेरे के सिलसिले की रचनाकार है ज्ञान प्रकाश। अब एक बात बताएं आप कि जब अंधेरा लगा है आपके जीवन में, अंधेरा लगा है तो प्रकाश कौन करेगा, जब ज्ञान आएगा तभी तो प्रकाश होगा। तो अंधेरे के सिलसिले के रचनाकार कौन हो जाएंगे, ज्ञान प्रकाश, क्योंकि अंधेरा है मेरे जीवन में और अगर ज्ञान रूपी दीपक आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो अंधेरे के सिलसिले के रचनाकार कौन हो जाएंगे, ज्ञान प्रकाश, क्योंकि अंधेरे में ज्ञान का प्रकाश होना जरूरी है। सुदर्शन जी की कहानियों के नाम बताइए, ये चीज आपको बतानी है। तो कवि की स्त्री, सुदर्शन सुदा, तीर्थयात्रा, पुष्पलता, पनघट, गल्प मंजरी और हार की जीत, ये इनकी रचना है। अब इनको कैसे याद करना है, तो इनको हम याद कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं, कवि की स्त्री। अब देखना, कवि मतलब हो जाएंगे सुदर्शन, तो कवि की स्त्री सुधा, कवि की स्त्री सुधा, कवि की स्त्री कौन है, सुधा। दोनों जन क्या सोचते हैं कि चलो तीर्थ यात्रा को चलते हैं। तो इन लोगों ने विचार बनाया तीर्थ यात्रा का और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तब इन्होंने भगवान को चढ़ाने के लिए पुष्प लिए, तो इनकी एक रचना हो जाएगी पुष्पलता। अब पनघट से कुछ पानी भरा, पनघट से पानी या जल भरा,
इनकी एक रचना हो जाएगी पनघट, है ना। अब एक जो विशेष बात थी इनकी वो क्या थी कि इनकी यात्रा में इनकी साली भी गई थी। साली का नाम क्या था? गल्प मंजरी। क्या था? गल्प मंजरी। तो वो भी साली भी तीर्थ यात्रा में गई थी कवि और उनकी स्त्री सुधा के साथ। गल्प मंजरी भी इनकी साली यात्रा में गई थी और हार की जीत तो सभी को पता है। तो हमने कैसे याद किया? कवि की स्त्री सुधा तीर्थ यात्रा में गए और इन्होंने पुष्प लिए भगवान को चढ़ाने के लिए और पनघट से पानी भरा। और जो विशेष बात थी वो यह थी कि साली साहब भी क्या इनके साथ में यात्रा में गई थी। तो कवि की स्त्री और सुदर्शन सुधा, सुदर्शन और सुधा इनकी रचना हो जाएगी। तीर्थ यात्रा में गए तो तीर्थ यात्रा, पुष्प लिए तो पुष्पलता, और पनघट से पानी भरा तो पनघट, और गल्प मंजरी इनकी साली थी तो गल्प मंजरी इनकी रचना हो जाएगी। और हार की जीत तो आपको पता ही है, तो हार की जीत इनकी रचना हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने सुदर्शन जी की कहानियों को याद कर लिया। विशेष बात यही थी कि गल्प मंजरी इनकी जो साली थी वो भी तीर्थ यात्रा में गई हुई थी, ये विशेष बात थी। अब बात करते हैं कोठरी की बात किसकी है। अब जो कोठरी की बात है तो कोठरी की बात तो कोठरी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो कोठरी की बात कैसी होगी? कैसी होगी कोठरी की बात? अज्ञे होगी, क्योंकि हमें भी ज्ञात नहीं है कि कोठरी की बात क्या है। तो ये कोठरी की जो रचना है, कोठरी की बात की जो रचना है वो किसकी होगी? अज्ञे जी की, क्योंकि कोठरी की बात अज्ञे होती है, किसी को पता नहीं चलती। इस प्रकार से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह किसकी रचना। जी हाँ दोस्तों, यहां प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। काय पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है? वो हो रहा है गंगा। गंगा नदी आप समझते हैं, गंगा नदी की स्वच्छता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि गंगा नदी को स्वच्छ कैसे बनाया जाए, है ना। तो प्रश्न चिन्ह किसकी रचना हो जाएगी? गंगा प्रसाद बिमल की, क्योंकि गंगा पर प्रश्न चिन्ह लगा है कि गंगा को स्वच्छ कैसा बनाया जाए। तो प्रश्न चिन्ह रचना हो जाएगी गंगा प्रसाद बिमल की, है ना। अब बात आती है सांप और छाया कहानी के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, सांप और छाया, तो सांप आपको पता ही होगा किसके गले में रहते हैं? सांप शंकर जी के रहते हैं, और छाया भी हमारे ऊपर किसकी है? शंकर जी की। तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। शंकर जी के गले में सांप है तो सांप इनकी रचना हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के भी प्रमुख कवि हैं, तो छाया भी इनकी कहानी होगी, या फिर कहें कि शंकर जी की छाया हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर कृपा है, तो इनकी रचना हो जाएगी। तो सांप और छाया कहानी के रचयिता कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की गले में सांप है और उनकी छाया हमारे ऊपर है, कृपा उनकी हमारे ऊपर। इस प्रकार से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है किशोरीलाल गोस्वामी की दो रचनाओं के नाम बताओ। अब किशोरी, किशोर और किशोरी, है ना, ऐसे होते ना। तो यहां पर किशोरी की यहां पर बताना है रचनाओं के नाम। तो किशोर लोग बता देंगे, दो रचनाओं के नाम बताना है। तो क्या होता है कि किशोरी कौन है? इंदुमती। किशोरी इंदुमती क्या खिला रही हैं? गुल खिला रही हैं, गुल। तो किशोरी लाल गोस्वामी की दो रचनाएं कौन हो जाएंगी? एक तो इंदुमती, इंदुमती जो किशोरी हैं वो क्या खिला रही हैं? गुल खिला रही हैं, गुल बहार कर रही हैं। इस प्रकार से इनकी दो रचनाएं हो जाएंगी किशोरी लाल गोस्वामी की। बोले किशोरी, तो किशोरी से हम ले लेंगे किशोरी कौन है? इंदुमती है, और ये क्या खिला रही है? गुल खिला रही है, तो गुल बहार इनकी रचना हो जाएगी। नेक्स्ट रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, रानी केतकी, रानी केतकी की कहानी जो है उसे इंसा ही नहीं अल्लाह भी, अल्लाह ने भी सुनी है। तो इंसा अल्लाह खां हो जाएगी, इंसानों ने नहीं सुनी बल्कि अल्लाह ने भी सुनी है। तो रानी केतकी कहानी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? इंसा अल्लाह खां, इंसानों ने और अल्लाह ने भी रानी केतकी की कहानी सुनी। इस प्रकार से याद कर लेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानियों के नाम बताओ। जी हाँ दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हमें कहानी का जो है क्या करना है? कहानी को बताना है। तो इनकी ये तीन कहानी है कि उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था कि सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा, उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये यहां पर कोड ही सीधा सीधा बन जाता है कि उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा, है ना, चंद्र शर्मा गलेरी। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां आपको बताना। प्रेमचंद की हमने उपन्यास पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे, उसी प्रकार से हम इनकी कहानियां भी पढ़ेंगे। बता देते हैं कि इनकी एक कहानी है पूस की रात। पूस की रात में शतरंज के खिलाड़ियों ने क्या
पूस के रात में शतरंज के खिलाड़ियों ने बेटों वाली विधवा सप्त सरोज को बूढ़ी काकी के सामने ठाकुर के कुआं में कफन बांधकर पंच परमेश्वर के पास भेज दिया। एक कहानी बन गई कि पूस की रात में शतरंज के खिलाड़ियों ने बेटों वाली विधवा सप्त सरोज को, कौन को, सप्त सरोज को बूढ़ी काकी के सामने ठाकुर के कुएं में कफन बांधकर पंच परमेश्वर के पास भेज दिया। तो ये प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हो जाएंगी मुंशी प्रेमचंद की। और क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। और पूस की रात में शतरंज के खिलाड़ियों ने बेटों वाली विधवा सप्त सरोज को बूढ़ी काकी जो है के सामने ठाकुर के कुएं में कफन बांधकर पंच परमेश्वर के पास क्या कर दिया, भेज दिया। इस प्रकार से ये मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों को हम याद कर लेंगे। पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, बेटों वाली विधवा, सब सरोज बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, कफन और पंच परमेश्वर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है क्या है, प्राश्चित किसका रचित, प्राश्चित किसकी रचना है, तो प्राश्चित करना है यहाँ पर, हमने पाप बहुत किए हैं तो प्राश्चित करना है। तो प्राश्चित कहाँ करेंगे हम जाके, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण भगवती के पास जाकर करेंगे कि पड़ोसी के पास जाएंगे कि नहीं आप तो हमें माफ कर दो, हमारे पास बहुत गलतियां हो गई, आप भगवती के पास जाएंगे कि भगवती मुझे प्रायश्चित करना है मुझे अपने पापों का। तो प्रायश्चित किसकी रचना हो जाएगी, भगवती चरण वर्मा की हो जाएगी, क्योंकि हमें भगवती के सामने जाकर प्रायश्चित करना है। नेक्स्ट है, इन्हें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार है कि नहीं है, इंतजार काहे का, ये रचनाओं का कि जल्दी याद हो जाए। तो हमें भी इंतजार है, काहे का इंतजार है, शिव का प्रसाद पाने का, शिव का प्रसाद मिल जाए तो जल्दी से एग्जाम निकल जाएंगे सारे। तो इन्हें भी इंतजार है शिव का प्रसाद, है ना, शिव का प्रसाद मिल जाएगा आपको भी, तो इन्हें भी इंतजार है। कहानी की रचना कौन हो जाएंगे, शिव प्रसाद से हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें भी इंतजार है शिव प्रसाद का, शिव का, शिव के प्रसाद का, तो शिव प्रसाद से हो जाएंगे। महेंद्र भल्ला की प्रमुख कहानियों के नाम बताना है। महेंद्र भल्ला साहब, आपने सुना है कि नहीं सुना, ये नाम सुना होगा महेंद्र भल्ला, इनकी कहानियां है एक पति के नोट्स तीन चार दिन। क्या कहा महेंद्र भल्ला ने, कहा एक महिला से कि अपने पति के नोट्स दे देना तीन चार दिन के लिए पढ़ने के लिए, है ना। तो उस महिला ने कहा जी हाँ बिल्कुल ले जाइए, आप तो पढ़िए। तो महेंद्र भल्ला की जो दो कहानियां हैं वो है एक पति के नोट्स, तीन चार दिन के लिए चाहिए थे, कौन को, महेंद्र भल्ला साहब को, कि इन्होंने कहा महिला से कि आपके पति के नोट्स जो है बनाए हैं वो तीन चार दिन के लिए मुझे दे देना पढ़ने के लिए, एग्जाम है, है ना। तो महेंद्र भल्ला की प्रमुख कहानियां कौन सा, एक पति के नोट्स तीन चार दिन, इस प्रकार से दो हो जाएंगी। नरेश मेहता की प्रमुख कहानियां आपको बताने, जी हां दोस्तों, नरेश मेहता साहब की कहानियां हैं कि निशाजी तथापि समर्पित महिला है, निशाजी तथापि समर्पित महिला है, किसके लिए समर्पित है, नरेश मेहता के लिए समर्पित है, नरेश मेहता के लिए निशाजी तथापि समर्पित महिला हैं, इस प्रकार से इनकी रचना हो जाएंगी। नरेश मेहता साहब की जब भी रचनाओं की याद आएगी तो निशाजी को याद किया जाएगा, निशाजी तथापि समर्पित महिला हैं नरेश जी के लिए, है ना। तो नरेश जी के लिए निशाजी तथापि समर्पित महिला हैं, तो निशाजी तथापि और समर्पित महिला इनकी रचना हो जाएंगी। आहूति किसकी रचना है, आहूति कहानी आपको बताना है, आहूति देना है हमें, और जोश में आके नहीं देना, होश में आके देना है। तो आहूति दोगे ना आहूति, तो इलाचंद्र जोशी आएंगे, इलाचंद्र जोशी ने जोश में आकर आहूति दे दी, आप भी नहीं दे देना आहूति, जोश में आकर आहूति देना है तो आहूति दे सकते हैं आप, है ना। तो आहूति किसकी कहानी हो जाएगी, इलाचंद्र जोशी की, जी हाँ दोस्तों, ऐसा याद हो जाएगा। बात करते हैं मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं, जी हाँ दोस्तों, मुक्तिबोध की जो रचना है उसके बारे में एक हम आपको कहानी बताने वाले हैं, और इस कहानी का कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल भी मतलब इसका वो नहीं लेना, एक कहानी बता रहे हैं, इनकी पूरी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी फटाफट। अब मुक्तिबोध साहब जो थे, मुक्तिबोध की रचनाओं को हम एक कहानी के माध्यम से याद करते हैं। मुक्तिबोध जी एक दिन बोले कि मेरी जीवन की एक अंतर कथा है कि मुझे रात में चलने की बीमारी है। क्या है, मुझे रात में चलने की बीमारी है, और मेरा एक सपना है कि मैं एक अच्छी सी कन्या देखकर क्या कर लूं, शादी कर लूं। अब देखना यहां पर आदमी का मतलब एक जीवन की कथा सुना रहे हैं, फिर यहां पर एक सपना है कि एक अच्छी सी कन्या से शादी कर लूं, तो यहां से आदमी उठ रहा है, सतह से उठता आदमी, है ना। तो सतह से आदमी उठ रहा है, तो फिर क्या होगा, अब इनके जो सपना है फिर आत्म संघर्ष चलेगा।
आत्म संघर्ष इनके मन में चल रहा है, आत्म संघर्ष चलते चलते ये एक कन्या को देखने जाते हैं शादी के लिए, है ना। शादी के लिए देखने जाते हैं तो क्या होता है, हम बता दें आपको कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अब गजानन किसको बोलते हैं, गणेश जी को। तो अब जब ये कन्या जी को, तो गणेश जी से हम रिलेट करेंगे इसको, तो आत्म संघर्ष इनके मन में चल रहा है और गए कहां, कन्या को देखने। तो कन्या ने जब इनको देखा, इनने कन्या को देखा, तो कन्या ने कहा कि चांद का मोह टेढ़ा, चांद का मोह टेढ़ा है। तो इनके मन में आया कि मैं पात्र नहीं हूं विपात्र हूं, मैं पात्र नहीं हूं विपात्र हूं। तो इन्होंने एक बार उससे कहा, उस कन्या का नाम क्या था, कामायनी, क्या था, कामायनी था उस कन्या का नाम। तो इन्होंने कहा कि कामायनी एक बार तो विचार करो मेरे बारे में, एक बार तो विचार करो। तो इनकी एक रचना हो जाएगी, कामायनी पुनर्विचार। अब शुरू से करते हैं कि मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या कहा कि मेरे जीवन की एक अंतर कथा है, तो मेरे जीवन की इनकी एक रचना हो जाएगी, एक अंतर कथा है तो एक अंतर कथा हो जाएगी। और रात में इनको चलने की बीमारी थी, तो रात चलते हैं अकेले सितारे, इस प्रकार से एक इनकी ये रचना हो जाएगी। और इनने एक सपना देखा, तो काठ का सपना, काठ का सपना इनकी रचना हो जाएगी। अब सपना देखा तो लगा कि सतह से आदमी उठ रहा है, तो सतह से उठता आदमी यहां पर इनकी रचना हो जाएगी। अब सतह से आदमी जब उठा और सपना देखा, तो इनके मन में आत्म संघर्ष चलने लगा, तो आत्म संघर्ष हो जाएगी। और जब देखने गए कन्या को, तो कन्या ने क्या बोल दिया, चांद का मोह कैसा है, टेढ़ा है। तो इनके मन में एक विचार आया कि मैं पात्र नहीं हूं विपात्र हूं। फिर भी इन्होंने कहा कि कामायनी एक बार तो विचार कर लो, एक बार पुनः विचार कर लो। तो कामायनी पुनर्विचार इनकी एक रचना हो जाएगी, एक कहानी बन गई कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी, इस प्रकार से इन्होंने एक कहानी सुनाई। तो मेरे जीवन की एक अंतर कथा है कि मुझे रात की में चलने की बीमारी है, और मैंने एक सपना देखा तो सतह से उठता हुआ आदमी, मतलब सपना देखा तो सपने के लिए क्या कर रहे हैं, साकार करने के लिए उठ रहे हैं, सतह से उठ रहे हैं। तो सतह से उठता आदमी, और सतह से उठता आदमी जब सपना देखा इन्होंने कि कन्या से शादी हो जाए, तो इनके मन में आत्म संघर्ष चल रहा है। और कन्या को जब देखने गए, तो कन्या ने इनको देखा और इनने कन्या को देखा, तो कन्या ने क्या कहा कि चांद का मोह टेढ़ा है, चांद का मोह कैसा है, टेढ़ा है। तो इनके मन में विचार आया कि मैं पात्र नहीं बेपात्र हूं, है ना। तो इन्होंने कहा कि कामायनी पुनः विचार, एक बार पुनः विचार तो कर लो, है ना। तो कामायनी पुनर्विचार इनकी ऐसी रचना हो जाएगी। तो इस प्रकार से मुक्तिबोध की रचनाएं याद हो जाएंगी दोस्तों। तो अब हम थोड़ा सा आपको टेस्ट लेना चाहते हैं कि आपको कितना हुई। तो लवर्स किसकी रचना है, जी हाँ दोस्तों, आपको लवर्स बतानी है। तो लवर्स लोग आजकल कहां जा रहे हैं, तो आपको उत्तर आपने पता होगा आपको, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन, निर्मल वर्मा। जी हाँ दोस्तों, निर्मल बाबा के यहाँ कुछ लवर्स परिंदे गए थे, तो इस प्रकार से इसको याद कर लिया। सप्त सरोज किसकी रचना है, जी हाँ दोस्तों, सप्त सरोज आपको बताना है, तो आपको याद हो गई होगी, उत्तर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद में हमने पढ़ा था ट्रिक के माध्यम से कि बेटों वाली विधवा सप्त सरोज है ना, तो ये सप्त सरोज की रचना कर। गल्प मंजरी साली साहब की आपको बताना है, गल्प मंजरी किसकी रचना है, सुदर्शन साहब की है, क्योंकि साली जी कहां गई थी, सुदर्शन के साथ यात्रा पर गई थी, ये गल्प मंजरी साली है इनकी, है ना। तो अब भेड़िए के रचनाकार कौन है, भेड़िए, भेड़िए कहां पूजा करते हैं, करते हैं पूजा, तो ये करते हैं भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में सूर्य मंदिर में पूजा करते हैं भेड़िए भी, है ना, ये हो जाएगी। अब बात करें कोठरी की, बात कोठरी की बात को कैसा रखना है, हमें कैसा है, जो कोठरी की बात होती है वो कैसी होती है, अज्ञेय होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने 5 प्रश्नों के माध्यम से अपना आकलन किया कि हमने ये वीडियो देखा मात्र, हमने कुछ भी नहीं किया, याद भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक बार देखा और हमें कितना याद हुआ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 75% तो याद हो गया होगा इसमें से। तो इसी प्रकार से दोस्तों बने रहे वीडियो में, और पिछला वीडियो पार्ट नंबर 1 भी जरूर देखें। इसी प्रकार से निरंतर जो है ट्रिक के माध्यम से हम ये जो है रचनाओं को याद करने का सिलसिला जारी रखेंगे। सिर्फ आप कमेंट के माध्यम से जो है हमें गाइड करते जाएं कि और किस प्रकार से रचनाएं वीडियो बनाएं, कौन कौन किस प्रकार की रचनाओं के माध्यम से किस प्रकार की वीडियो बनाएं, इस प्रकार से आप गाइडलाइन करते रहें। और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि वीडियो कैसा रहा, वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। दोस्तों एक बात बताएं कि कुछ लोग बोलते हैं सर समय ज्यादा लगता है ऐसे में, जी हाँ दोस्तों, तो समय तो लगेगा। अगर आप चाहते हैं
कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए, पेपर की तैयारी तो कर रहे हैं और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, शॉर्टकट तो है, पर अगर आपको कुछ अच्छा याद करना है, गहराई से याद करना है, जो ज्यादा दिनों के लिए याद हो, तो उसके लिए टाइम जरूर देना पड़ेगा आपको। आप सोचो कि एक प्रश्न में हम मात्र 2 सेकंड में याद हो जाए और हमें जिंदगी भर याद रहे, तो वो कभी नहीं रहेगा। तो आपको याद करना है। अब बात करें अगर कोठरी की बात की, तो आप जिंदगी में नहीं बोल सकते, क्योंकि कोठरी की बात जो होती है वो कैसी होती है, अज्ञेय होती है। तो इस प्रकार से टाइम जरूर लगेगा दोस्तों। तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के लिए जय हिंद, इतना ही।